हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशु जायका। मैं हूँ निशु। आज मैं बनाने वाली हूँ पुराने ब्रेड या टूटी हुई ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह के ब्रेड ले लेंगे जो हम सैंडविच बनाते हैं और उसका चारों साइड काटते हैं। यह ब्रेड 2-4 दिन का पुराना हो जाता है, उसे हम लोग नहीं खाते हैं। तो उसे हम इस तरह से मज़ेदार स्नैक्स बना सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बोल में डाल देंगे 1/2 कप बेसन। मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई। उसके बाद डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ ब्रेड। उसके बाद 2 मीडियम साइज हम प्याज डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, 2 हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच और हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। आप यहाँ पे और भी मसाला ऐड कर सकते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा अजवाइन और इसे हथेलियों पे मसल कर डाल देंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आता है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आप बेसन ज़रूर ऐड करें, तब आपका पकौड़ा बाइंड होगा और अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे जिससे हम पकोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पकोड़े का डो बनकर रेडी है। आइए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और उस पर चढ़ाएंगे एक फ्राई पैन और उसमें ऐड कर लेंगे तेल। तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पकौड़े। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेकर आप डालें इसमें, जितना आपके पैन में आ पाए। तो इसे डाल देंगे और उसके बाद हमें 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो। और उसके बाद हमें हाई फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट पकाना है जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट बाद अब हम इसे पलट लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। तो इस तरह से अगर आपका ब्रेड पुराना हो गया हो 2-4 दिन का, या सैंडविच बनाते टाइम जो साइड हम लोग काटते हैं उसे फेंके नहीं, इस तरह से मज़ेदार स्नैक्स आप बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे एक बार शाम को स्नैक्स में चाय के साथ ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद अब हम इसे पलट लेंगे और फिर से हमें 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार ब्रेड का पकौड़ा बनकर तैयार है। तो आइए इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं जो ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये सब बिल्कुल फ्री है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।